गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ सोशल साइंस दैट इज वाटर रिसोर्सिस इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर फॉरस्ट एज वेल एज द नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर सो लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको पता है कि हमें जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल हैं ज़रूरी हैं स नंबर वन फूड एयर एंड वाटर ये तीनों चीज़ें हमें जो हैं वो ज़रूर चाहिए टू लिव जीने के लिए सो so, आज हम जो हैं इन तीनों में से वाटर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे वाटर इज़ अ वेरी प्रीशियस रिसोर्सेस पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम अपनी लाइफ जो है वो बिना पानी के इमेजिन नहीं कर सकते हमें डेली पानी जो है अपनी ज़रूरतों के लिए चाहिए जैसे कि कुकिंग खाना बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए बहुत ज़रूरी पीने के लिए हमें जो है वो पानी चाहिए वॉशिंग चाहे वो हमने बर्तन धोने हैं चाहे वो हमने कपड़े धोने हैं चाहे वो हमने घर की सफाई करनी है सो उन सब के लिए भी हमें जो है वो पानी की ज़रूरत पड़ती है इसके अलावा नहाने के लिए भी हमें पानी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम खाना खाते हैं जो फूड हमें चाहिए उसको ग्रो करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है सो so, अब क्या आपको पता है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है पानी के जो मेन है वो टू टाइप ऑफ सोर्सेज हैं वन इज़ नेचुरल एंड द अदर इज़ मैन मेड जो नेचुरल सोर्सेज हैं वैसे पानी जो है वो एक नेचुरल सोर्स है और हम जो है डिफरेंट uh, जो सोर्सेज हैं वहाँ से पानी को जो है वो लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रेन बारिश आप देखते हो जो बारिश की बूंदें जो बादल बनते हैं उनसे जो बारिश होती है वो हमारे लिए मेन सोर्स है पानी का कई जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है कुछ जगहों पे बारिश बहुत कम होती है आप देखो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी होती है और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर पानी के जो सोर्सेज हैं वो भी कम होते हैं जैसे हमने लास्ट चैप्टर डेजर्ट में पढ़ा है ना कि वहाँ बारिश कम होती है इसलिए डेज़र्ट एरियाज़ में जो पानी के रिसोर्स हैं वो भी बहुत कम हैं नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर हमारी ज़मीन के अंदर जो पानी है जो ज़मीन के नीचे है पानी उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं ये ग्राउंड वाटर क्या है ये भी जो है आपका ये भी बारिश से ही स्टोर होता है एक तरह से जो बारिश होती है उससे ये पानी जो है वो रिचार्ज होता है ठीक है और ये ग्राउंड वाटर हम हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है पाइप्स के ज़रिए ठीक है इस ग्राउंड वाटर को लेने के लिए हम बहुत सारे जो हैं वो आ, टूल्स और मशीनरी का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज़ ओशन ओशन जो है दिस इज़ द बिग सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस लेकिन ये जो ओशन है इसका पानी पीने के लायक नहीं है क्यों क्योंकि ये जो है वो सॉल्टी है लेकिन फिर भी दिस इज़ अ बिग सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ फॉर अस रिवर्स रिवर्स का जो पानी है जो रिवर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रिवर्स हैं इनमें पानी कहाँ से आता है स्नो मेल्ट होती है कई रिवर्स में जो है वो स्नो मेल्ट होकर पानी आता है उन रिवर्स को हम बोलते हैं पैरियल रिवर्स ठीक है और उनमें पूरा साल पानी रहता है जैसे गंगा यमुना और कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ़ बरसात के टाइम पे जब बारिश होती है उन्हीं महीनों में उन रिवर्स में पानी रहता है जैसे कृष्णा कावेरी जो हमारे साउथ की रिवर्स हैं ना वो ज़्यादातर जो है वो बारिश पे डिपेंड होती है। वो बारिश पे जो है वो डिपेंड हैं इसके अलावा लेक्स लेक्स क्या होती हैं झील भी बोलते हैं ये रिवर्स से छोटी होती हैं और ये ज़्यादातर जो है ये एक चारों साइड से जो है वो लैंड से कवर होती हैं जैसे रिवर तो फ्लो करती है ना वो एक शहर से दूसरे शहर फिर तीसरे आ, कई बार स्टेट्स टू स्टेट जो है वो बहती हैं रिवर्स लेकिन जो लेक है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह में जो है वो होती है और ये जो लेक्स हैं ये इनमें जो है वो पानी जो है वो कहाँ से आता है वो ग्राउंड वाटर से जो नीचे ज़मीन के अंदर से जो है वो पानी ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर आ जाता है कई जो लेक्स हैं वो नेचुरल हैं लेकिन कई जो लेक्स हैं वो मैन मेड हैं सो क्लियर है सो so, so, आज हम इतना ही टॉपिक जो है वो करेंगे सो नेक्स्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट ओके बाय थैंक यू